जीएसपी साहब क्या है, क्या मामला, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है, मैं धानापुर थाना अंतर्गत अमातपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ और मेरी जमीन का विवाद है। मेरे पड़ोस में ही कुछ लोग रहते हैं जो जिनका नाम जो प्रमोद सिंह, गुणेश सिंह, मनोज सिंह, सुनील सिंह, रमाकांत सिंह वगैरह है, ये सभी लोग जो है मेरी जो 3-4 पीढ़ियों से जिस जमीन पे हम लोग रहते आ रहे हैं उस जमीन पे आकर के जो अपना बता करके जो है अनावश्यक रूप से हम लोगों को परेशान करते हैं और कई सालों से लगातार बीच बीच में परेशान करते हैं। इसी को लेकर के हम दो तीन बार जो है पहले वाले जो हमारे पुराने जो एसपी साहब थे उनके पास हमने जो गुहार लगाई थी, उन्होंने जो आज जाकर के जो दो तीन बार जो है ऑर्डर किया जो थाने से जाकर के जो उनका काम रुकवाओ और जब तक जो है राजस्व की टीम जाकर के उसका निर्णय नहीं कर देती तब तक काम मत होने देना। लेकिन टीम एक बार भी पुलिस की टीम वहाँ पे नहीं गई कि उनका काम रुके, और जो हमारा काम जो चल रहा था तो पुलिस फौरन पहुँची और हमारा काम रोक दी जबकि उनका काम जो है लगातार पूरा कंप्लीट हो गया। और बीच में जो है तहसील दिवस में पुराने वाले एसपी साहब ने और डीएम साहब प्रभारी थे तो दोनों लोगों ने जो है ऑर्डर किया था जाकर के वहाँ पर मौके पर देखा जाए, तो पुलिस मौके पर गई। उसके बाद जो है नायब साहब भी अगले 15 जून को तहसील दिवस था सकलिया और 16 जून को जो है राजस्व की टीम और पुलिस की टीम जो साथ में गई वहाँ पे, और मौके पे जाने के बाद उन्होंने एक सहमति बना दी कि तीनों लोग अपने अपने हक में रहें और इस बात को जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसी सहमति के आधार पे उन्होंने तो अपना जो पूरी बाउंड्री वॉल कर लिया था, अपना काम निपटा लिया बिल्कुल बढ़िया से, और अब जो उसी सहमति के आधार पर जब हम अपना काम कराने जा रहे हैं तो अब जो है वो लोग आकर के आपत्ति कर रहे हैं कि दीवार उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है। अब सपोज करिए कि जहाँ पर जो है उनका घर है, हमारे घर से जो काफ़ी दूरी पर उनका घर है, उनके बाद जो आपने गुप्ता जी के बीच में जब दीवार बना ली तब गुप्ता जी के बाद जब हमारा जो है जहाँ से स्टार्ट होता है जो है घर वहाँ आकर के आपको आपत्ति करने का क्या मतलब है। इसके बाद जो मैं नायब साहब के पास जब गया जो नायब साहब ने जो एस एस साहब से पूछा कि आपको विजिट करने के लिए कहा गया था, आप मौके पर गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर मैं गया था। बोले आपको क्या मिला? बोले सर मैं वहाँ इस पर जा कर के देखा कि वर्मा जी अपनी दीवार जो है सही लेकर के जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने ये कहा जो कि फिर आप जो है विरोधियों के खिलाफ जो उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बोले हाँ हाँ सर कार्रवाई होगी। लेकिन सब मिला जुला करके स्थिति अभी तक जो यही बनी हुई है आज तक कि अभी उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जब भी मैं काम करने जा रहा हूँ तब तुरंत जो लाठी डंडा लेकर के लोग आकर के जो है वहाँ खड़े हो जा रहे हैं कि हम काम नहीं होने देंगे, और जैसे अगर हम लोग अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत वहाँ पर विवाद होगा, झगड़ा होगा। यहाँ तक इस टाइप का माहौल वहाँ पर भयावह बन चुका है कि हो सकता है कि करजना वाली और ढीना वाली टाइप की घटना नहीं हो जाए, कहीं ये लोग जो हत्या कर रहे हैं जो फिराक में यही कंडीशन रही, जो करजना और ढीना वाली जो घटना हुई है उस टाइप की भी घटना हो सकती है। एसपी साहब क्या कहे आप? एसपी साहब ने ये कहा जो है कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो कार्रवाई होगी, आप जो निश्चिंत होकर के जाइए, मैंने जो थानापुर को जो निर्देश दिया है कि मौके पर जाएँ और देख करके उसको जो कार्रवाई करें, जो लोग भी जो आक्रामक हैं, जो लोग जो है ज़बरदस्ती किसी के साथ जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल इससे पहले दो बार पुराने वाले एसपी साहब ने भी ऑर्डर दिया था लेकिन थानापुर को जो बिल्कुल कान पे जू नहीं रही थी, और जिस भी प्रभाव में मैं नहीं जानता, लेकिन बिल्कुल अगर मेरे खिलाफ अगर कोई जो अगर आदेश हो तो मतलब कोई एप्लीकेशन जाएगी तो पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है, इतनी एक्टिव पुलिस हो जाती है थानापुर की, एकदम फौरन से पहले तुरंत पहुँच जाएगी। लेकिन यही अगर एप्लीकेशन हमारी तरफ से अगर उधर की तरफ होता है पता नहीं क्या है, क्या वजह है कुछ मेरे समझ में नहीं आता है। पता नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि जनता इस बात को जो समझे जो कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों करती है, क्या वजह है कि मतलब एक पक्ष की अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है कि आप बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि हवा से बात करती है, एकदम फौरन से पहले पहुँचती है, और वहीं अगर जो दूसरी तरफ से जो कार्रवाई करने की जब बात कही जाती है तो होता ये है जो कि पुलिस जो दो तीन चार दिन तक पहुँचती नहीं। उनका निर्माण कार्य हो रहा था, लगातार फोन पे फोन जा रहा था लेकिन थानापुर पुलिस की दुकान पे नहीं रह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पुलिस मान चुकी है वो सही हैं, और जब हमारा काम होने लगा जो तुरंत फौरन से पहले 112 पे फोन गया, 112 पुलिस गई, काम रुकवा दीजिए, जाइए पहले एस एस साहब से मिल के आइए। मैं गया एस एस साहब से मिल करके आया, जो एस एस साहब ने कहा जो कि हाँ ठीक है आपका काम सही है। तो महोदय मुझे ये पूछना है कि जब मेरा काम सही है और उसके बाद भी मेरे साथ ज़बरदस्ती आकर जो लोग जो कर रहे हैं कि काम नहीं होने देंगे, तो इस पर कार्रवाई करने का काम किसका है? बस मैं ये जानना चाहता हूँ।